इस ड्राइंग को मैं बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक या फिर हाइपर रियलिस्टिक नहीं बना रहा हूँ, तो ये भी एक क्विक ट्यूटोरियल है और इसमें हम रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करेंगे। और इस रेफरेंस में बहुत ही ज़्यादा डार्क हेयर हैं, शेडोज़ और कॉन्ट्रास्ट बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं सीधे ही मेरे पास जो सबसे डार्क ग्रेड की पेंसिल है कॉन्टे पेरिस 3B, उसे ही यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं रेफरेंस फ़ोटो को अच्छे से देख के कि उसमें कौन कौन सी जगह पर डार्केस्ट पार्ट्स हैं, मतलब शेडोज़ और डेप्थ कहाँ पर ज़्यादा है, उन पार्ट्स को मैं अपने पेपर पे इस पेंसिल से ब्लॉक कर लूँगा, मतलब उन पार्ट्स में इस पेंसिल से लेयर बनाऊँगा। इस तरह से मैं पेंसिल पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ और पेंसिल के स्ट्रोक्स को भी हेयर की डायरेक्शन में ही लगा रहा हूँ। और जहाँ जहाँ पे हेयर में शाइन है या फिर जहाँ पे लाइट पड़ रही है वहाँ पे मैं हल्की लेयर बना रहा हूँ और शेडोज़ और डेप्थ वाली जगह पे थिक लेयर बना रहा हूँ। और इसके बाद ब्लेंडिंग के लिए मैं ये ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और ब्लेंडिंग भी मैं बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ कर रहा हूँ और ब्रश से भी मैं हेयर की डायरेक्शंस को ही फॉलो कर रहा हूँ। और ब्लेंडिंग के बाद मैं टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर से जहाँ जहाँ पे रेफरेंस फ़ोटो में थोड़ी हाइलाइट्स हैं वहाँ वहाँ पे मैं थोड़ी हाइलाइट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप लास्ट में देख सकते हो कि ये हेयर ड्राइंग काफ़ी हद तक रियलिस्टिक लग रही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।